गुरुवार की शाम वैशाली नगर विधानसभा के कैंप एक में शारदापारा तालाब के समीप आयोजित एक समारोह में मसीही समाज के लगभग 500 लोगों ने भाजपा में प्रवेश किया। इसके साथ ही वैशाली नगर विधानसभा चुनाव में जोगी कांग्रेस से प्रत्याशी रहे पूर्व पार्षद डॉक्टर दिवाकर भारती सहित दो अधिवक्ताओं ने भी इस समारोह में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लिया है। लोकसभा चुनाव के पूर्व भाजपा के लिए ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे, विधायक रिकेश सेन एवं पूर्व सभापति राजेंद्र सिंह अरोरा की उपस्थिति में सभी को प्रवेश दिलाया गया। दिवाकर भारती के साथ अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी और अमित चौहान ने भी भाजपा की सदस्यता ली। इसी कार्यक्रम में भिलाई मसीही समाज के कैंप मंडल के अध्यक्ष एस बालाराजू ने अपने समाज के 500 लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण की। लोगों से दूर रहने की आवश्यकता है। आज जिस प्रकार से लोग कहते हैं उन लोगों को इस मंच से जवाब देना चाहता हूं। लोगों को लगता है कि विकेश सेन और क्रिश्चियन समाज में बड़ी दूरियां हैं। आप देखिए, पूरे मेरे उस बयान के बाद यहाँ पे जितने मसीह समाज के लोग हैं 500 से ज्यादा, वो सारे लोगों का प्यार देखिए कि विकेश सेन के विधानसभा, सभी 500 मसीह हमारे भाई बहन, हमारी माता आज भारतीय जनता पार्टी को प्रवेश कर रहे हैं। लोग, कांग्रेस हमेशा क्या कहती थी, ये हमारे रबर स्टैंप है क्रिश्चियन समाज, हमारे रबर स्टैंप है मुस्लिम समाज, हम जैसा चाहेंगे वैसा ये करेंगे। लेकिन देखिए, मैं मसीह समाज, क्रिश्चियन समाज को प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने विकास की पार्टी को सोचा, उस पार्टी को सोचा जिस पार्टी ने विकास किया। हमारे सामने बैडमिंटन ग्राउंड है, ये देखिए लाइट जल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, और इसे भी अगर किसी ने बनाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इस वार्ड के पार्षद ने किया है। तो इसलिए जो है, मुझे अच्छा लगा कि जब मुझे बाला ने बताया कि भैया सारे लोग आपके परिवार के सदस्य हैं और मसीह समाज के लोग व्यक्तिगत रूप से और आपकी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। मुझे बताया गया कि भैया ये जो समाज है, ये समाज हम किसी का रबर स्टैंप नहीं है। जो पार्टी विकास करेगी, जो मसीह समाज की चिंता करेगी, जो मसीह समाज के सुख और दुख में खड़े रहेगी, जो मसीह समाज के बच्चों की पढ़ाई की चिंता करेगी, उसी समाज के साथ हम हैं, उसी पार्टी के साथ हम हैं। और इस निवेदन को लेकर हम माननीय प्रेम प्रकाश जी के पास गए और हमने कहा कि ये सब चीज आपकी अगर उपस्थिति में होता है तो निश्चित रूप से मसीह समाज को, कि आपने उस समाज के लिए बहुत कुछ किया है, आप रहेंगे तो एक गार्जियन है आप इस शहर के। हम भले विधायक बन गए हैं, भले कई जनप्रतिनिधि बन गए हैं, लेकिन इस क्षेत्र में कभी भी कोई भी तकलीफ होता है तो हमको ये लगता है कि हमारे क्षेत्र में हमारा गार्जियन है। हम बड़े भैया प्रेम प्रकाश भैया के पास जाते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं और इस बात को लेके भी चिंता व्यक्त करते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास कैसे होगा। आज भी अगर रायपुर जाना है तो भैया को बैठा के माननीय मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री प्रेम प्रकाश जी पांडे को देख के तत्काल सभी कामों की स्वीकृति देते हैं। ऐसे हमारे गार्जियन है और आज सभी आप लोग स्वागत और अभिनंदन आप सबका करता हूँ। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी परिवार में सभी मसीह समाज का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद।